स्पाइस मनी का डिस्ट्रीब्यूटर या स्पाइस मनी का पार्टनर बनना हुआ बिल्कुल आसान। सबमिट करें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पाएं डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर आईडी बिल्कुल आसानी से। स्पाइस मनी के डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर आईडी अप्लाई करने के लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आइए समझते हैं उन स्टेप्स के बारे में। स्पाइस मनी से जुड़ी हर एक जानकारी पाने के लिए आज ही स्पाइस मनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले आप स्पाइस मनी के ऑफिशियल वेबसाइट www.spicemoney.com पर जाएं। ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके ज्वाइन एज पार्टनर सेलेक्ट करें। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरें, जैसे कि अपना नाम, मोबाइल नंबर, पोस्टल कोड, सिटी आदि। यदि आप किसी और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो यह सेलेक्ट करके सबमिट कर दें, अन्यथा नो सेलेक्ट करके सबमिट करें। डिटेल सबमिट होने के बाद स्पाइस मनी का नज़दीकी सेल्स पर्सन आपको कॉल करके संपर्क करेगा या आपके पास विजिट करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर बनने के लिए आपको उस सेल्स पर्सन को कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, जैसे कि अपने आधार कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की क्लियर फ़ोटो, अपने पैन कार्ड की क्लियर फ़ोटो, अपनी एक क्लियर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए एक कैंसिल चेक। आपको एक वीडियो डिक्लेरेशन देना होगा जिसमें आप और स्पाइस मनी सेल्स पर्सन एक वीडियो शूट करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही स्क्रिप्ट को बोलकर वीडियो रिकॉर्ड करना होगा, जैसे कि माय नेम इज, आपका नाम बोलें, माय मोबाइल नंबर इज, अपना मोबाइल नंबर बोलें, आई बिलोंग टू, जिस भी सिटी में आप बिलोंग करते हैं वो सिटी का नाम बोलें, माय शॉप नेम इज, अपनी शॉप का नाम बोलें, आई वॉन्ट टू ज्वाइन विद स्पाइस मनी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, आई हैव बीन मेड aware of the entire process and the roles and responsibility to take Spice Money Distributor ID by the sales officer, Mr. Sales Personnel ka naam bolein, who has met me today. Ab sales person screen par dikhai de rahi script ko bol kar video ko pura karega. My name is sales personnel, apna naam bolein. My workplace is sales personnel, apni jagah ka naam bolein. I am a sales person, apna ohda bolein. Officer with Spice Money. I have met the distributor, Mr. Distributor ka naam bole, and seen all his original documents and also informed him of his roles and responsibility as a distributor. Yadi aapki koi firm hai ya koi shop hai aur aap uske naam par apni ID lena chahte hain to aapko GST certificate aur saath hi ITR form ya koi electricity bill ya telephone bill ki copy bharna anivarya hai aur saath hi उस फर्म या शॉप के नाम से बैंक डिटेल्स के लिए एक कैंसिल चेक प्रोवाइड करना होगा। यदि आप अपने नाम से आईडी लेना चाहते हैं तो आपको जीएसटी डिटेल्स प्रोवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है और साथ ही बैंक डिटेल्स में आप अपने इंडिविजुअल बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही आपको स्पाइस मनी सेल्स पर्सन द्वारा दिए गए एक अग्रीमेंट को भी साइन करके देना होगा। एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यानपूर्वक पढ़ के उसे भी एक्सेप्ट करें। आप जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसकी पेमेंट आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बैंक में कैश, चेक या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन द्वारा कर सकते हैं और उसकी रिसिट की एक कॉपी सेल्स पर्सन को दें और फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए एक कॉपी अपने पास ही रखें। ये सारे डिटेल सेल्स पर्सन को प्रोवाइड करें। स्पाइस मनी सेल्स पर्सन ये सारे डिटेल स्पाइस मनी के हेड ऑफिस भेजते हैं। ध्यान रहे, सभी डिटेल्स करेक्ट व साफ होनी चाहिए। वेरिफिकेशन पूरी होने के 2 से 3 दिन बाद आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर आईडी क्रिएट होने के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने नीचे स्पाइस मनी अधिकारी नेटवर्क बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।